Hello students. Today we are going to study part two of the Russian Revolution. In this part, we discuss about the Russian Empire in 1914. What are the economic and social conditions, and how the workers uh, are going to uh, towards the revolution? And what are the those circumstances which occurs in Russia, and how the 1905 revolution takes place within with here. ट्रिबलेंट टाइम एंड हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन एंड वॉट आर दफ़ द रशियन एम्पायर सो लेट वी स्टार्ट विद डिस्कशन सो इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ यूरोपियन स्टेट दैट सिचुएशन वॉज वेरी रिवर्स्ड सोशलिस्ट टू को द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटीन बच्चे उसमें यह दिखाया गया है कि जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट पर पूरा कंट्रोल कर लिया था रशिया में और अक्टूबर का जो रेवोल्यूशन हुआ है नाइनटीन में उसमें सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कम्प्लीटली रशिया में आ चुकी थी और मोनार्की का फॉल जो हुआ था यहाँ पर फरवरी 1917 में हुआ था और अक्टूबर से यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का पूरी तरीके से यहाँ पर अपना एम्पायर हो जाता है अब बात हम करेंगे 1914 हंड्रेड रशियन एम्पायर कैसी थी 1914 में जो है यहाँ का रशिया का एक एम्प्रायर होता है जिसका नाम होता है जार निकोलस टू ये रूल करता है रशिया के ऊपर पूरे में और इसका जो मेनली रूलिंग होती है वो मॉस्को के मॉस्को जो उसकी टेरिटरी है उसके चारों तरफ की और भी टेरिटरी है इसमें रशियन एम्पायर का पूरा एम्प्रायरशिप होती है जिसमें करंडे का फिनलैंड है है लिथोनिया एस्टोनिया पार्ट्स ऑफ पोलैंड यूक्रेन और बेलारूस ये सभी आते हैं इन पर सब पर जार निकोलस टू का अधिकार था और इसने अपना जो अधिकार था उसके बाद अपने एम्परशिप को पैसिफिक महासागर से लेकर के आज का जो सेंट्रल एशिया एशियन स्टेट है जॉर्जिया है अर्मानिया है अर्जर्बेनिया है यहाँ तक तो बढ़ा लिया था जो इसमें मेजॉरिटी रिलीजन जो थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे मतलब रशिया में दो टाइप के क्रिश्चियंस थे एक तो रूढ़ीवादी क्रिश्चियंस थे जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उनका एलिब्रेशन हुआ था और दूसरे वो थे जो कैथोलिक्स थे कैथोलिक्स के अलावा यहाँ प्रोटेस्टेंट मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रहते थे अब आता है कि यहाँ की इकोनॉमिक और सोसाइटी की कंडीशन उस समय कैसी थी जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था पहली वीडियो में कि ट्वेल्थ सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि रशिया में मेनली एट्टी फाइव परसेंट जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे जो कि पुअर थे उनकी कंडीशन बड़ी पुअर थी और जब जर्मनी ने इनके ऊपर अटैक किया था रशिया के ऊपर तब इनकी कंडीशन में यह था कि फोर्टी परसेंट जो पीपल्स थे वहाँ के वो वॉर की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और इस तरीके से रशिया में स्थिति बिगड़ गई थी लेकिन रशिया में पहले की स्थिति अच्छी काफ़ी अच्छी थी जबकि उस समय जो एम्पायर था रशिया का वो कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट मतलब वहां पर जो मेनली जो कल्टिवेटर्स थे किसान थे वो अपने खाने के लिए तो उगाते ही थे अनाज साथ, साथ में जो इनका मेजर एक्सपोर्टर थे वो ग्रेन के और ये बाहर भी भेजते थे अनाज को तो यानी कि इंडस्ट्री उस समय इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी थी और यहाँ रशिया की जो खेती का सिस्टम था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वो भी बहुत अच्छी थी यहाँ के प्रोमिनट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे क्राफ्टमैन वगैरह भी थे यहाँ पर और अठारह तक यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली हुई थी यहाँ तक कि रशिया का रेलवे सिस्टम भी बहुत एक्सटेंडेड था बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और धीरे धीरे यहाँ पर फॉरन इन्वेस्टमेंट भी आ चुका था जिससे कि डे बाई डे इनकी जी जीड़, जी डी पी बढ़ती चली जा रही थी और इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी यहाँ पर आयरन एंड स्टील का जो आउटपुट था वो भी दुगने से चौगुना हो चुका था 1900 तक यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन थे जो कि काफ़ी सारे नंबर्स में थे और यहाँ पर मेनली जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मैक्सिमम जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो काम कर रही थी गवर्नमेंट की भी लार्ज फैक्ट्रीज थी जिसमें वर्कर्स को जो है काम काफ़ी टाइम तक करना पड़ता था और वेजेस उनके बहुत मिनिमम थे मतलब काम ज़्यादा था और काम करने के घंटे जो है पहले तो लिमिटेड आवर्स तक काम करते थे लेकिन वर्कर जब काम बढ़ गया तो अनलिमिटेड आवर्स तक वर्कर काम करने लगे लेकिन कोई मिनिम जो वेजेस थे वो मिनिमम ही रहे और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो थे वो कोई रूल पहले के तोड़ना नहीं चाहते थे इसीलिए उन्होंने स्मॉल वर्किंग शॉप वगैरह में जो यूनिट यू जो यूनिट्स थी इनकी वहाँ वर्किंग डे कंपेयर किया गया तो उनने दस से बारह घंटे का फैक्ट्रीज में काम निकाला और जब एक एक मजदूर दस से बारह घंटे काम करने लग गया और उसके वेजेस तभी भी मिनिमम रहेंगे और उनके रहने पीने की खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी एकोमोडेशन वगैरह देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक ही डॉरमेट्री है जिसमें कई हजारों वर्कर्स एक साथ सो रहे हैं तो ये कंडीशन डे बाई डे वहाँ पर ख़राब होती गई और यही रशियन रेवोल्यूशन का लास्ट में कारण भी बनेगी अब आता है कि यहाँ पर जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रैट्स कहलाते थे क्योंकि मेटल वर्कर्स में जैसे सोने चांदी का व्यापार करने वाले और आयरन स्टील वर्क बनाने वाले जो मेटल वर्कर्स थे वो उनकी क्वालिटी उनकी जो मतलब ऑक्यूपेशन थी वो काफ़ी हायर थी तो उनको एरिस्टोक्रेटिक यानी कि वहाँ के राजसी लोगों में गिना जाता था और वीमेंस जो है थर्टी परसेंट जो वीमेंस थी वो फैक्ट्री लेबर में काम करती थी उन्नीस में और जो वीमेंस को भी बहुत कम पे किया जाता था एज कम्पेयरजन टू मैन डिवीज़न जो यहाँ पर किया गया था वो लगभग ड्रेस और मैनर्स के हिसाब से किया गया था मैक्सिमम जो वर्कर्स था वहाँ पर जब दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ाता तो वो अनएम्प्लॉय ही रह जाता था यानी कि उसको कहीं और दूसरी जगह काम भी नहीं मिलता था वर्कर्स के डिवीजन के अलावा क्या हुआ कि जब वर्कर्स इस चीज़ से असंतुष्ट हुए अपने काम को लेकर के और अपने विजेस को लेकर के तो उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और उन्होंने जब वर्किंग को स्टॉप किया तो और कई सारे एम्प्लॉयर्स ने कई सारे वर्कर्स को निकाल भी दिया जो लोग विरोध करते थे उनका तो उनके डिस्पेशल से ये लोग परेशान हो गए अपनी वर्क कंडीशन से परेशान हो गए तो टेक्सटाइल ट्रे, इंडस्ट्री है वहाँ की आयरन इंडस्ट्री है उसमें एटीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स के बीच में और मेटल इंडस्ट्री में उन्नीस में बहुत ज़्यादा रिवोलूशन हुए बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ हुई इसके अलावा जो कंट्री साइड पीजेंट्स थे कल्टिवेट जो मतलब कंट्री साइड में जो लोग वहाँ किसान रहते थे उन किसानों में जो है ये इन्होंने क्या किया कि वहाँ के रहने वाले जो नोबल्स पर्सन थे जो वहाँ का राजा था और जो वहाँ पे रूढ़ीवादी चर्च के लोग थे उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया वहाँ के पीजेंट्स ने और वर्कर्स और पीजेंट दोनों ही डिवाइडेड फॉर्म में थे वहाँ पर अलग अलग थे वर्कर्स तो जाकर के फैक्ट्रीज में काम करते थे पेजेंट जो है खेतों में काम करते लेकिन इन दोनों के साथ ही कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था नोबेल्टी के द्वारा और वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च ओनर्स थे उनके द्वारा और क्राउन के द्वारा तो वो लोग भी इस चीज़ से बहुत आहत थे और रशिया में धीरे धीरे क्या हुआ जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वैसे रशिया में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि जो पीजेंट्स थे फार्मर्स और लेबरर्स थे वो अपने नोबेल्टी को ए की इज्जत करते थे और उनके ही खेतों में काम करना पसंद करते थे लेकिन रशिया में क्या हुआ कि यहां पर लोगों लो ने नोबल्टी और रेस्टोक्रेसी को बिल्कुल नकार दिया और उन्हें बिल्कुल भी उनके खेतों में काम करना पसंद नहीं था वो चाहते थे कि जो नोबल्स के लैंड हैं वो उन्हीं किसानों को दे दिए जाए और उन्होंने जो है इन धीरे धीरे क्या दीरे -दीरे हुआ कि जब ये अपनी कंडीशन से बहुत असंतुष्ट थे अनसेटिस्फाइड थे तो इन लोगों ने क्या किया कि सारे पीजेंट्स और लेबरर्स और वर्कर्स ने मिलकर के धीरे धीरे जो वहां के किराए पर लैंड ओनर्स के लैंड्स थे जिन पे वो काम करते थे उनके रेंट को भी देने से इनकार कर दिया रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया यहां तक कि जमींदारों का इवनली मर्डर भी कर दिया कई सारे जमींदारों को इवन मर्डर्ड लैंड लॉर्ड्स में ये लार्ज स्केल पर हुआ साउथ रशिया में और उन्नीस में जो है ये ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जबकि वर्कर्स ने और लेबरर्स और पीजेंट्स ने अपने लैंड का का, का कत्ल कर दिया रशिया में बहुत बहुत जगह ऐसी घटनाएं घटी रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इस तरीके से रशियन पेजेंट जो थे यानी कि जो रशिया के किसान थे वो यूरोपियन किसानों से बिल्कुल अलग थे वो अपनी जमीन को मतलब वो राजा की जमीन हो चाहे राजसी लोगों की जमीन हो उन सब पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनको ही ये जमीन का पूरा अधिकार दिया जाए ना कि उनको वहां पर रेंट पे काम कराया जाए अब सोशलिज्म इन रशिया को देखते हैं तो जो वहां के पीजेंट्स थे वर्कर्स थे उनके अंदर धीरे धीरे क्रांति की भावना जागी रही थी तो इन्होंने क्या किया कि 1900 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी 1900 में जब बनी तो इस पार्टी ने पीजेंट्स के अधिकारों के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और डिमांड की कि जो नोबल्स के लैंड्स हैं नोबल लोगों के जो राज, राजा के दरबारी हैं या राजा के जो मंत्री हैं और आज लोग हैं उनके सबके जो लैंड एरिया हैं वो सब किसानों को मिलने चाहिए और ये पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिए जाए सोशल डेमोक्रेट्स डिसग्रीड सोशल डेमोक्रेट्स जो थे एक दो पार्टियाँ थी वहाँ एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी और एक सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी तो सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी के लोग चाहते, तो चाहते थे कि किसानों को उनके जो नोबल्स हैं उनके लैंड मिल जाए लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स नहीं चाहते थे इस बात को और वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज से बिल्कुल अलग थे इनकी राय पर लेन जो थे इन्होंने ये वहाँ के लैन एक वहाँ के बहुत बड़े फिलासफर हुए ये, इन्होंने ये सोचा कि अगर पीजेंट्स आपस में दो पार्टियां बना करके ऐसे ही लड़ते रहेंगे जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी तो इनका काम नहीं चलेगा तो उन्होंने आगे आगे आह्वान किया कि सभी किसानों को चाहे वो किसी भी पार्टी के हो उनको आकर के एक यूनाइटेड ग्रुप बनाना चाहिए और कई सारे लोगों ने उनकी बात को माना भी कुछ पुअर और रिचर्स थे जो जो कि लेबर्स की तरह काम करते थे और कुछ ऐसे थे जो कि कैपिटलिस्ट के लिए काम करते थे पूंजीपति लोगों के लिए काम करते थे जो कि वर्कर्स को एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रूप में रखते थे तो इस तरीके से वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन काफ़ी देखने को मिलता है व्लादिमिर लेनिन जो था उसने अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई व्ला, व्लादिमिर लैदिन एक्चुअली क्या था वहाँ दो पार्टियाँ थी बोल्शेविक पार्टी और मैन पार्टी तो व्लादिमिर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे और इन्होंने एक ऐसी नीति बनाई जिससे कि वहाँ का जो जार निकोलस था रशिया का जार उसको पूरी सोसाइटी में रिप्रेसिव कर दिया दबा दिया और उसने ये कहा कि द पार्टी शुड बी डिसप्लेंड एंड शुड हाँ और उस ललिन ने ये भी कहा था कि हमारे जो वर्कर्स की पार्टी है या लेबरर्स की और पेजेंट्स की पार्टी है इनको डिसिप्लिन होना चाहिए और साथ में कई सारे वर्कर्स और पेजेंट्स को उसने मेंबर्स की क्वालिटी के आधार पर बांटा था, था और उन्होंने कहा था कि हम सभी को एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए पूरी तरीके से अपने ऊपर दूसरे ग्रुप के लोग थे यहाँ पर जो मैन सेविक थे मैन शेविक जो थे वो ये सोचते थे कि पार्टी जो है वो हमेशा ओपन होनी चाहिए सभी के लिए चाहे वो किसान हो चाहे वो नोबल हैं और ये एक्चुअली जो है जर्मनी में हुए मैन शेविक मेनली अब एक टर्बुलेंट टाइम आता है 1905 का जब रेवोल्यूशन होता है इसमें क्या हुआ कि ट्वेंटी सेंचुरी के लगभग बिगिनिंग की बात है कि रशिया में ऑटोक्रेसी थी उस समय रशिया की जो ऑटोक्रेसी थी रशिया में जार निकोलस का राज्य था और जार निकोलस जो था उस समय द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट मतलब जार जो था वो राजा था और उसको पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं था वो पार्लियामेंट में जो लोग थे उनकी बात को नहीं स्वीकार करता था जो लिबरल्स लोग थे यहाँ पे रशिया में उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट करी कई सारे स्टेट अफेयर्स को लेकर के और एक साथ मिलकर के सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवोल्यूशनरीज ये आपस में मिल गए दोनों पार्टी और यहाँ के वर्कर्स और पीजेंट्स ने मिलकर के एक साथ अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मांग की कि पार्लियामेंट होनी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा होना चाहिए ये दोनों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल रिवोल्यूशनरी दोनों ने मिलकर के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और इनको सपोर्ट में काफ़ी लोग थे इनके सपोर्ट में जो है पोलैंड के एम्पायर भी थे नेशनलिस्ट थे इसके अलावा मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज जैसे जो जहाँ के जेडिस्ट लोग थे वो भी चाहते थे कि मॉडर्नाइज इस्लाम जिस जो कि वो चाहते थे कि जो मॉडर्नाइज इस्लाम है उसको भी सोसाइटी को लीड करने का अवसर मिले तो ये सभी जो लोग जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल रेवलूशनरी पार्टी के साथ आ जाते हैं और ये सब मिल करके एक साथ रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड करते हैं 1904 में से पहले क्या होता है कि पर्टिकुलरली बैड फॉर ये बहुत खराब साल था उन्नीस रशियन वर्कर्स के लिए क्यों क्योंकि उस समय प्राइजेज जो थे चीज़ों के बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे और इनके जो रियल वेजेस थे यानी कि जो मजदूरी थी वो कम होती जाती थी ट्वेंटी परसेंट तक मजदूरी कम हो गई थी और इनके जो हर खाने पीने के सामान थे उनके रेट बढ़ बढ़ा दिए गए थे तो उन्नीस सौ चार में ऐसे ही क्या होता है एक रशियन वर्कर होता है जिसका नाम होता है पिटलो आयरन वर्क्स वहाँ से उसको डिसमिस किया जाता है और उस पर फिर ये इंडस्ट्रियल एक्शन भी लेने की बात की जाती है और अगले ही कुछ दिनों में क्या होता है कि लगभग यहाँ पर है कि सत्तर हजार वर्कर्स जो है सेंट पीटरबर्ग में स्ट्राइक पर चला जाता है और वो कहते हैं कि हम केवल आठ घंटे तक ही काम करेंगे दस से बारह घंटे की बजाय और हमारे वेजेस को भी बढ़ाया जाए और हमारी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए हम इस तरीके से दब के और कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा घंटों तक काम नहीं करेंगे इसी क्रम में क्या होता है कि ये जो पूरी क्रांति होती है इसको लीड करने वाला लीडर इसमें होता है फादर कैपॉन ये वहाँ के विंटर पैलेस में पहुँचता है विंटर पैलेस में वहाँ पर पार्लियामेंट लगती है और इस फादर गैपॉन के ऊपर वहाँ पुलिस अटैक कर देती है और कौस -कौस, भी अटैक कर देते हैं फिर लगभग उस समय इस क्रांति में 300 से ज़्यादा वर्कर जो है घायल हो जाते हैं और कई सारे वर्कर्स मारे जाते हैं इसको बोलते हैं ब्लडी संडे और ये ब्लडी संडे जो है 1905 के रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इसके बाद ये जो क्रांति और तेजी से बढ़ती है इससे गुस्सा होकर के वहाँ के कई सारे जो स्टूडेंट uh, बॉडीज़ होती हैं लॉयर्स डॉक्टर्स सिविल लिबर्टीज़ मिडिल क्लास वर्कर्स ये सारे के सारे यूनियन बना करके एक साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करते हैं और साथ ही में ये स्ट्राइक पर निकल जाते हैं 1905 की के रेवोल्यूशन के ही दौरान जार जो होता है वो अलाउ करता है वहाँ पर कि वहाँ पर एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का निर्माण किया जाए जिसका नाम होगा ड्यूमा फिर ड्यूमा में ही वहाँ पर ड्यूमा का की जब डिमांड होती है जो जार उसको अलाउ कर देता है उन्नीस सौ पांच के बाद कि चलो यहाँ पे पार्लियामेंट बनाया जाए जिसका नाम ड्यूमा होगा और उसमें लार्ज ट्रेड यूनियन के सदस्य होंगे और फैक्ट्री कमेटीज के वर्कर्स भी उसमें उसके मतलब वो होंगे सहयोगी होंगे उसमें साथी होंगे उन्नीस के बाद क्या हुआ ये जो कमेटी बनी थी इस कमेटी में ट्रेड यूनियन कमेटी और फैक्ट्री कमेटी ये दोनों आपस में मिल जाती हैं लेकिन ये अनऑफिशली पहले वर्क करती हैं उसके बाद इनको लीगल डिक्लेयर किया जाता है लास्ट में कई सारे ऐसे पेपर लगाए जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होने दी जाती हैं जार जो है लास्ट में क्या करता है कि तंग आकर के पहली जो पार्लियामेंट होती है उसको डिसमिस करता है पहली पार्लियामेंट वो पचहत्तर दिन में डिसमिस कर देता है उसके बाद में सेकंड पार्लियामेंट को फिर तीन महीने के अंदर इलेक्ट करता है जब उसके बाद मतलब जार के बस का नहीं हो जाता कि वहाँ की पोलिटिकल एक्टिविटी को संभाल सके तो पहली पार्लियामेंट वो पिछहत्तर दिन में दूसरी पार्लियामेंट तीन महीने में और तीसरी पार्लियामेंट को दोबारा से वो तिबारा से फिर से बनाता है तो ड्यूमा में लगातार ये जो चेंजिंग होती रहती है उससे और वो जार निकोलस भी नहीं चाहता था कि उससे कोई क्वेश्चनिंग करे किसी प्रकार के किसी भी इशू से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे कोई अथॉरिटी से रिलेटेड हो या किसी के पावर कम करने से रिलेटेड तो इसलिए ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा और अब उसने क्या किया वोटिंग लॉज में भी चेंजेस लाए और तीसरी ड्यूमा भी बना दी और उसमें जो तीसरी ड्यूमा बनाई उसमें बड़े कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस रख दिए और लिबरल्स जो थे वो रिवोल्यूशन्स को लगातार वहां पर जारी रखते हैं अब पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर की क्या स्थिति थी उन्नीस में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनमें दो प्रकार के संगठन थे दो प्रकार के संगठन ऐसे थे जो कि एक दूसरे के खिलाफ थे एक था जर्मनी ऑस्ट्रिया और टर्की ये सेंट्रल पावर में था और दूसरे में फ्रांस ब्रिटेन और रशिया था जो कि इसके बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी मिल जाता है अब ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं एक दूसरे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करते हैं हर एक कंट्री जो होती है उसकी ग्लोबल एम्पायरशिप लिए होती है उस समय और जो वॉर स्टार्ट होती है तो यूरोप के आउटसाइड में होती है और उसके बाद इनसाइड में भी होने लग जाती है इसमें जो रशिया है इसमें द वॉर वॉज नेशली पॉपुलर बहुत पहले पॉपुलर होती है लोग रैली करते हैं जार निकोलस टू के अराउंड चारों तरफ जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होती है जार रिफ्यूज कर देता है टू कंसल्ट द मेन पार्टी मतलब जार जो है मना कर देता है इनकार कर देता है कि वो ड्यूमा की मेन पार्टी से नहीं मिलेगा और सपोर्ट वोर थी दूसरी पार्टियां जो होती हैं जैसे एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वगैरह एंटी जर्मन जर्मन वगैरह के साथ मिल जाता है जार अब जो जर्मनी के खिलाफ लोग होते हैं उनके सेंटिमेंट जो होते हैं बहुत हाई हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि सेंट पीटरबर्गस में एक रीनेमिंग करते हैं दोबारा से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम रखते हैं और जर्मन नेम होता है उसका पेट्रोगार्ड पेट्रोग्रेड जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम है जो कि एंटी जर्मन लोगों ने रखा था जारियन अलेगजेंड्राज जर्मन ओरिजिन और जो पुअर एडवाइजर्स होते हैं गरीब लोग इसमें स्पेशली मॉन्क वगैरह होते हैं जिसको इसमें एक मोंक होता है जिसका नाम होता है रॉसपुटिन इस रु पुट रुटिन जो होता है ये ऑटोक्रेसी के खिलाफ खड़ा हो जाता है और ऑटोक्रेसी को वो अनपॉपुलर बना देता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होती है इसमें दो फ्रंट पे लड़ाई होती है एक होती है ईस्टर्न फ्रंट और एक होती है वेस्टर्न फ्रंट ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट से बिल्कुल अलग होती है वेस्ट में जो आर्मीज होती हैं वो ट्रेंचेस पे यानी कि बहुत पहाड़ की चोटियों पर लड़ाई लड़ रही होती हैं ईस्टर्न फ्रांस में जबकि ये जो ईस्ट में होती हैं वो लड़ाइयाँ लड़ रही होती हैं गुड डील एंड फाउट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटी ईस्टर्न में जो आर्मी लड़ रही होती है, होती है वो अच्छे मतलब अच्छे आदर्शों पे लड़ रही होती है और वो वहाँ पर कैजुअलिटीज़ बहुत होती हैं वहां पे बहुत आदमी के सोल्जर्स मर जाते हैं और जब वो हार जाती है ईस्टर्न आर्मी तो उसकी जो डिफीट होती है उससे लोग बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं बहुत उनका साहस टूट जाता है रशिया की जो आर्मी है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बहुत बुरी तरीके से पराजित होती है 1914 से 1916 के बीच में और लगभग सात मिलियन कैजुअलिटीज होती है 1917 में अब उसके बाद जब रशिया की आर्मी वापस आ रही होती है तो रशियन आर्मी जो है डिस्ट्रॉय करती है वहाँ पर जब रशियन आर्मी वापस आ रही होती है वहाँ से तो वो अपने गुस्से में आपे में नहीं होती और रशिया के जो सोल्जर्स होते हैं वो गुस्से में Uh, वहाँ की जो लौटते टाइम जो खेत पड़ते हैं आप किसानों के उनमें क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आते हैं बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं उनको नष्ट करते हुए चले जाते हैं और इस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन होता है क्रॉप्स का और बिल्डिंग्स का लगभग तीन मिलियन रेफ्यूजीज जो है रशिया में आकर के लगभग शरण लेता है अब द सिचुएशन डिस्क्रेटेड द गवर्नमेंट एंड द जार अब सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है पहले से गवर्नमेंट और जार के खिलाफ हो जाते हैं लोग सोल्जर जो है Not, अब जो सोल्जर्स थे जो जार के सोल्जर्स थे जार के सैनिक होते हैं वो भी लड़ाई कर करके थक चुके होते हैं फेडअप हो जाते तुरते और वो लोग चाहते थे कि अब ज्यादा आगे लड़ाई उनकी पीजेंट्स के खिलाफ रिवोल्यूशनरीज के खिलाफ ना हो तो द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पेक्ट ऑन इंडस्ट्री इस लड़ाई का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत बुरा असर जो है वहां इंडस्ट्री पर उस समय पड़ता है काफ़ी सारा इंडस्ट्री का नुकसान भी होता है बहुत सारे पीजेंट फार्मर्स मारे जाते हैं इस रेवोल्यूशन में सोल्जर्स भी मारे जाते हैं चीज़ों के काम दाम बहुत तेजी से हाई हो जाते हैं लोगों को वेजेस नहीं होते खाने के लिए उनके पास सामान नहीं होता है रशिया की जो ओन इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही कम नंबर में होती है और कंट्री पूरी कट ऑफ हो जाती है लोगों से जो बाहर के लोग होते जैसे जर्मन कंट्रोल वगैरह से भी कट ऑफ हो जाती है और बाल्टिक सी वगैरह के एरिया से भी कट ऑफ हो जाती है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो होते हैं धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं रशिया में और ये यूरोप से भी नहीं सप्लाई हो पाती उन्नीस सौ सोलह में रेलवे जो था वो भी तोड़ टूटने लग जाता है रेलवे ख़राब हो जाता है और जो एबल बॉडीड मैन होते हैं वो अब वॉर के लिए आगे उनको करने लग जाते हैं कहते हैं कि अब हमें वॉर चाहिए इससे क्या होता है जो लेबर होती है उसकी शॉर्टेज होने लग जाती है छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं वो भी सब शट डाउन ख़त्म होने लग जाती हैं जो ग्रेन्स की लार्ज सप्लाई है वो मैक्सिमम लार्ज की सप्लाई थी वो आर्मी में जा रही थी फर्स्ट जो 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 वर्ल्ड को भेजा को भेजा जाता तो जब देश के अंदर अनाज पैदा जो हो रहा था वो तो सब आर्मी को भेजा जा रहा था तो देश के अंदर के लोग जो थे वर्कर्स और पीजेंट्स वगैरह वो सब भूख से तड़प रहे थे उनके लिए खाने को अनाज नहीं रह गया था और यहाँ तक कि दंगे होने लगे थे उन्नीस सौ सोलह के विंटर्स में और हर ब्रेड शॉप्स पे दंगे होते थे लोग खाने के लिए लड़ाई करते थे दंगा फसाद करते थे और पूरी सिटी में बहुत गंभीर स्थिति और क्राइसिस थी तो बच्चों ये हमने अभी तक पढ़ा कि यहाँ पर पार्ट टू में रशिया के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस पैदा हुई थी अब आज का वीडियो यहीं तक है फिर मैं अगली बार आपको फिर बताऊंगी कि इसके बाद क्या होता है कि रशियन रिवोल्यूशन में और क्रांति कैसे कैसे आगे बढ़ेगी और नई पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनेगी और उसके बाद में नई गवर्नमेंट कैसे आएगी ओके okay, तब तक के लिए थैंक यू प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज रिपीटेड दिस होल रशियन रिवॉल्यूशन अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर